ये रास्ते थोड़े से गीले हो चुके हैं, शायद यहाँ पर है ना थोड़ी सी बरसात हो चुकी है यार। किलोमीटर है राजबाड़ी तक हमको। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी शाम का वक्त हो चुका है। जो लोग हैं अपने अपने घरों को अपने अपने घरों के पास वापस लौट रहे हैं, और हम भी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी यादें समेटते हुए यहाँ से निकल चुके हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ही मस्त नज़ारे यार, बहुत ही मतलब खतरनाक स्वर्ग समझ लो तुम। उस पहाड़ियों के पीछे हम गए थे, ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, बस एग्जैक्ट उस पहाड़ी के पीछे मैं था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पहाड़ी मेरे लिए एक लैंडमार्क सी हो गई है। बहुत ही मस्त लग रहा है यारो। अभी धीरे धीरे शाम ढलने लगी है, पंछी भी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सफ़र मेरे लिए आज का बहुत ही इमोशंस से फुल था, पता नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मैंने ये सफ़र किया है, इसकी वजह से शायद हो सकता है। तो मज़ा आ गया दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत मस्त लगा यार मुझे सफ़र। अभी ये भी एक पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव है, ये भी इनका भी सही है यार। रास्ता भी बहुत ही मस्त है, संकरा रास्ता है, सिंगल पट्टी है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है यार। मतलब ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते, उसको नाम नहीं रख सकते, इस तरीके से ये रास्ता बनाया हुआ है यार। बहुत मस्त है। ये जो गाड़ियाँ है यहाँ पर, ज़्यादा आपको जो दोस्तों ये जो गाड़ियाँ है, तो ये बोलेरो, पिकअप, महिंद्रा, ये ऐसी जो गाड़ियाँ महिंद्रा की ज़्यादा दिखेंगी आपको, या तो फिर जीप वगैरह ऐसा कुछ दिखेंगी। बहुत मस्त है यार, बहुत सही है। शाम के अभी 6:15 बज चुके हैं, खड़ी राजबाड़ी और 4 किलोमीटर है, राजबाड़ी तक हमको जाना है। अभी सिर्फ 6:15 हुए हैं, शायद यहाँ से 48 किलोमीटर है। तो देखिए शाम के टाइम को यहाँ पर रास्तों की हालत क्या हो चुकी है, और पहाड़ी वातावरण जो है वो कैसा है आप देख सकते हो, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा शायद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मुझे, तो इसकी वजह से ये रास्ते थोड़े से गीले हो चुके हैं, शायद यहाँ पर है ना थोड़ी सी बरसात हो चुकी है, शायद नहीं, अब बहुत ही ज़्यादा बरसात हो चुकी है। ओके, मुझे कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बरसात हो चुकी है और रास्ते भी थोड़े से ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर। ओहो, अगर मैंने गलती से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेक अगर मार दिया तो गारंटी की गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो इसकी वजह से मुझे संभाल कर चलना होगा, साथ ही साथ मुझे समय का भी ध्यान रखना होगा। देखिए अभी ये बिजली चमक रही है यहाँ पर, बिजली तो कड़क ही रही है दोस्तों, कुछ इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ है वो यहाँ से जाते हुए दिख रही है मुझे, शायद आगे बरसात मिल जाए मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी क्योंकि रास्ते अभी एकदम गीले। कुछ
भी नहीं है यहाँ पर, पूरा अंधेरा 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 दिख रहा है। इतने 6-8 बजे इतना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है दोस्तों। अगर 7 बज जाएंगे यहाँ पर तो 7 बजे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, ऐसा लगेगा बहुत घना अंधेरा लगेगा यहाँ पर। तो जैसे वैसे करके हमको जल्दी से निकलना है। ओके, निकलते वक्त रास्ते स्लीपरी ना हो और कहीं कीचड़ वगैरह होगा तो तकलीफ ना हो जाए भाई। ऐसा ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ियाँ है यहाँ पर, जो बहुत सारे नौकरी करने वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, वो यहाँ से अप डाउन करते हैं। अब ये शायद यहाँ पे गांव है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये पहाड़ी लोग हैं तो बहुत ही मस्त है यार, रिलैक्स लाइफ जीते हैं और बहुत ही तंदुरुस्त और स्वस्थ होते हैं ये। तो अभी थोड़ी सी बरसात हुई होगी इसलिए वो आराम से रिलैक्स करते बैठे हैं। यहाँ पर भी ये तुरंत बरसात हुई है शायद, ये देखो बहुत ही बरसात हुई है यहाँ पर। अरे बाप रे, बिजली भी कड़क रही है भाई, शायद कहीं और पानी शुरू है, बरसात शुरू है शायद ऊपर। अभी जो घाट है हम चढ़ रहे हैं फिर से और फिर उसके बाद में उतरेंगे। पीछे मत देख रे, ये रास्ते अच्छे होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी मैं निकल चुका हूँ, मतलब निकल आया, नहीं तो हमको बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती है यहाँ पर। अभी यहाँ से सीधा यू टर्न है ना, एकदम स्टीप, कोई नहीं आगे, चलो मार दे स्टीप टर्न। ये थोड़ा सा, अरे आवाज़ भी आ रही भाई, आगे उमड़ घुमड़ शुरू है, क्या होगा तो पता नहीं। और मैंने उसका कुछ रेन कवर भी नहीं लाया यार मैंने, ये जो ये टैंक बैग है ना, टैंक बैग के लिए मैंने रेन कवर भी नहीं लाया हूँ यार, पता नहीं यारो। अरे भाई इतना आवाज़ कर रहा कि मेरा मेरा जी डर रहा है अभी। ठीक है चलो, हम पहाड़ एक 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 बार में चढ़ते थे, अभी अभी उतर रहे नीचे। अरे यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है अभी, हाँ पूरा इलाका सुनसान लग रहा है। तो यहाँ के दोस्तों जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ टेंशन नहीं है, और जो नौकरदार वर्ग है दोस्तों यहाँ से हमेशा अप डाउन करते हैं, इसलिए उनको भी इतना ज़्यादा ये नहीं लगता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं लगती है। मैं फिलहाल लाइव नहीं कर देता हूँ। देखा दोस्तों, यह है जंगल का सन्नाटा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है और मैं अकेला यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ, कोई भी नहीं दिखा देता है यार। ये देखो आया कोई, देखो चलो अच्छा है, शायद 43। ओके, आपको बोला ना मैंने कि जो लोकल लोग हैं उनको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा रेगुलर अप डाउन वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़र्क पड़ता है। ओके, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ों में जल्दी सूरज छुप जाता है और बादल जो है वो धुड़म धड़ाम करके गरज रहे हैं, इतना ज़्यादा गरज रहे कि उनका आवाज़ सुन के मुझे डर लग रहा है अभी। और वो तो वो ये जो है लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड यार, क्योंकि अभी बरसात गिरी तो थोड़ा सा रिस्क तो होता है दोस्तों,
लैंडस्लाइड का डर तो लगता है ना। अभी कहीं पहाड़ ना छूटा है ऊपर से, ये देखिए पत्थर कितना बड़ा है ऊपर, और मैं जो किनारे किनारे चल रहा हूँ तो इसलिए डर लगता है मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। लैंड कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं। और भाई लोगों, ये सब रिस्क मैं आपके लिए लेता हूँ। पहले मैं पहाड़ चढ़ा, अभी पहाड़ उतर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पेट्रोल बचाने की तकनीक है। अरे बाप, धूप अंधेरा है भाई यहाँ पर, झाड़ियों की वजह से धूप अंधेरा। अरे भाई, वर्षा शुरू हो गई शायद यहाँ पर, शायद हाँ यार वर्षा चालू हुई। ओके, बहुत बड़े बड़े, बहुत यार कैमरे में पानी चल जाएगा, शायद मुझे रुकना पड़ेगा कहीं। ठीक है, दुकान देखना पड़ेगा। शिट, कैमरे में पानी जा रहा है यार। ठीक है, इधर रुक लेते, चलो। तो ये जो है अनसीन सातपुड़ा, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये लॉग अच्छा लगता हुआ दोस्तों, तो एंजॉय करिएगा। और हाँ, अभी तो क्या, ये तो रिटर्निंग जर्नी है, उसी रास्ते से, उसी रूट से मैं जा रहा हूँ। तो बस ये लॉग दोस्तों यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वैसे भी एक रिटर्निंग जर्नी में आपको फिर से वही रास्ता दिखाऊं और फिर से वही बेतुकी बातें करूं, तो उससे तो अच्छा है ना कि भाई, क्योंकि इस रास्ते से अगर मैं नहीं जाता तो फिर बात अलग हो सकती थी, या तो दूसरा रास्ता पकड़ता तो बात अलग हो सकती थी। तो मेरे प्यारे भाई हो, तो चलिए आपको कहते हैं अलविदा, और इसी लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लॉग, आज का लॉग दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये मैं अपील आपसे हमेशा करते रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ जो एनालिटिक्स से हमको पता चलता है कि लोगों, कितने लोगों ने देखा है लॉग और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो इसकी वजह से मुझे बार बार कहना पड़ता है यारों। तो बस इतना ही करिए मेरे लिए, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। और इसी के साथ में हम आपसे विदाई लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।